पहले ये पता होना चाहिए कि डीएनएस क्या होता है, ठीक है। तो इन यूनिट नंबर 5 फर्स्ट टॉपिक डीएनएस स्पूफिंग, दिस इज वी आर गोइंग टू कवर टुडे, डीएनएस स्पूफिंग। तो डीएनएस स्पूफिंग से मिलता जुलता एक और वर्ड आपने ऊपर वाले इसमें पढ़ा था, आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग में आपने क्या देखा था कि जब भी इंटरनेट पे डाटा पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं, छोटे 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 हिस्सों में जो पैकेट जा रहे हैं, हर पैकेट के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। लेकिन आईपी स्पूफिंग में अटैकर क्या करता है, उस सोर्स सॉरी जो सोर्स एड्रेस है जिसने वो जनरेट किया पैकेट, ठीक है, उसको चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग, ठीक है। उसी तरह से डीएनएस स्पूफिंग भी होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, तो लेट अस स्टार्ट। सो डीएनएस स्पूफिंग फर्स्ट देखिए, आप डीएनएस स्पूफिंग को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनएस कैसे काम करता है। व्हाट इज डीएनएस बेसिकली? डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, इट इज अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की फोन बुक है ये। देखिए, ह्यूमन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू डोमेन नेम, जैसे हमने लिखा gphamid.org या hptechbo.com या google.com, इस तरह से हम ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। लेकिन जो वेब ब्राउजर होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं, वो किस में काम करती हैं, आईपी एड्रेस पे, ठीक है। जो वेबसाइट जहां पे होस्ट की होगी वो आईपी एड्रेस पे चलेगी। वेयर एज ह्यूमंस यानी कि वी द एज अ यूजर, हम क्या यूज करते हैं, डोमेन नेम, ठीक है। और जो डीएनएस होता है, इसका काम क्या होता है, ट्रांसलेट करना डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस, ओके। सो हर डिवाइस जो भी इंटरनेट के साथ जुड़ी है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है बच्चों। उस आईपी एड्रेस को कौन यूज करता है, और मशीन में उस पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि कहां पे है वो, ठीक है। डीएनएस सर्वर एलिमिनेट्स द नीड फॉर ह्यूमंस टू मेमोराइज द आईपी एड्रेसेस। तो डीएनएस सर्वर का मेन काम क्या है, ये ह्यूमंस के लिए क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि ये ह्यूमंस को सारे आईपी एड्रेस को याद रखने की जरूरत से छुटकारा दिलवाता है। एलिमिनेट्स द नीड फॉर ह्यूमंस टू मेमोराइज ऑल द आईपी एड्रेसेस ऑन द इंटरनेट, जैसे 192.168.1.1 एक्सेट्रा व्हाटएवर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों डीएनएस सर्वर हम बनाते हैं। देखिए, डीएनएस सर्वर ना 24 घंटे सातों दिन ऑन होना चाहिए ये कंप्यूटर, ये मशीन, क्योंकि सारे की सारी इंटरनेट की जो एप्लीकेशंस हैं, आप मेल खोलिए, आप चैट खोलिए, आप मीट पे अभी कनेक्टेड हैं, ये सारी की सारी कैसे चल पा रही हैं, डीएनएस सर्वर की वजह से। अगर ये डाउन हो गया तो आपका इंटरनेट पूरा का पूरा बंद हो सकता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर क्या होगा, एक एक मशीन होगी ये बच्चों, जो कि क्या काम करेगी, ट्रांसलेट करेगी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस, जितनी भी वेबसाइट्स पूरे वर्ल्ड में है उसकी वहां पे एंट्रीज होंगी, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि डीएनएस कैसे काम करता है, यू जस्ट कंपेयर द डायलर प्रोग्राम, दिस इज द डायलर प्रोग्राम जो कंप्यूटर का है, और ये है आपका डीएनएस सर्वर। डायलर प्रोग्राम में क्या हो रहा था, जैसे जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास, अमित का नंबर ये है, सुमित का नंबर ये है, डैश 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 गार्गी का नंबर ये है, ठीक है, इस तरह से डायलर प्रोग्राम को सारा पता है। उसी तरह से डीएनएस सर्वर क्या करता है, उसमें दो एंट्रीज होती है, डोमेन नेम क्या है और उसका आईपी एड्रेस क्या है। अगर हमने लिखा अपने ब्राउजर पे gphamid.org, एंटर प्रेस किया, वो रिक्वेस्ट गई डीएनएस सर्वर को, डीएनएस सर्वर वो बोलेगा कि इस वाले आईपी एड्रेस पे है वो, वहां पे जाइए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों काम होता है, ये मैंने सारा वही लिखा हुआ है। और जनरली जो डीएनएस सर्वर होता है आईएसपी के पास होता है, जो पहला जो डीएनएस सर्वर आपको जो रिक्वेस्ट जाती है आईएसपी के पास जाती है। जैसे आपने जियो का कनेक्शन लिया हो तो जियो ने अपना डीएनएस सर्वर बनाया होगा, ठीक है। अगर जैसे हम बीएसएनएल का यूज कर रहे हैं कॉलेज में, तो इन्होंने हमें डीएनएस सर्वर की लिस्ट दी हुई है, ठीक है, वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके। तो इस तरह से आगे देखिए, अब डीएनएस कैसे काम करता है, तीन स्टेप में। एज ए क्लाइंट मैंने लिखा www.gphamid.org, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट इशू की, और वो रिक्वेस्ट किसको गई, डोमेन नेम सिस्टम को, ठीक है। वहां पे बहुत सारी एंट्रीज हो रखी हैं, वहां पे उसने ढूंढा कि gphamid.org कहाँ पे है, उसको यहाँ पे मिल गया, और उसके सामने जो आईपी एड्रेस लिखा है वहां पे वो रिक्वेस्ट चले जाएगी बच्चों। अगर आपने gphamid.org लिखा है तो रिक्वेस्ट gphamid.org वाली जो वेबसाइट है वहीं पे जाएगी, जीपी सुंदरनगर को नहीं जाएगी, एसपी बोर्ड को नहीं जाएगी, ठीक है। इन सभी के आईपी एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, और आप प्रैक्टिकली देखोगे कि सुंदरनगर का जो आईपी एड्रेस है और हमीरपुर का जो आईपी एड्रेस है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये अलग अलग लिखा है, सेम है ये,
अगर आप देखोगे, ठीक है, वो वर्चुअल होस्टिंग का कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें एक सिंगल मशीन के अंदर बहुत सारी वेबसाइट जो है होस्ट करके रखी होती है। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने अलग अलग लिखे हैं, 195, 196 एंड दिस वन 20 लिख दिया यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, पिंग करोगे तो जीपी हमीर एंड जीपी सुंदरगढ़ का, लेट मी डू इट वंस अगेन, सो यू कैन सी जस्ट 1 मिनट, जीपी हमीर डॉट ओ आर जी, ये मैंने स्टॉप कर दिया, अब लिखूंगा मैं जीपी सुंदरनगर डॉट ओ आर जी। यू कैन फाइंड, यू कैन सी सेम IPRS, सिमिलरली जीपी कांगड़ा और HP टेक बोर्ड का जो जो आपको दिखेगा IPRS, वो भी बच्चों सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मतलब है उन्होंने जो होस्ट की हुई अपनी वेबसाइट HP टेक बोर्ड ने, यह HP टेक बोर्ड की, ठीक है, और उनका IPRS ये है और जीपी कांगड़ा वालों का भी यही है, यानी कि एक ही कंपनी है जो ये दोनों की होस्टिंग कर रही है। वर्चुअल होस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ओके। तो 3 स्टेप में होगा, DNS काम करेगा, इतना अभी तक हमने सीखा। दो चीजें अभी तक हमने सीखी, एक कि DNS इज द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, इसके पास सारे डोमेन नेम और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो IPRS हैं वो लिस्टेड होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप में DNS काम करेगा, क्लाइंट सबसे पहले इसे रिक्वेस्ट करे भेजेगा कि मुझे जीपी हमीर डॉट ओ आर जी की वेबसाइट खोलनी है, वो रिक्वेस्ट जाएगी DNS सर्वर के पास, DNS सर्वर वो एंट्रीज ढूंढेगा कि कहाँ पे वो एंट्री उसके कोरस्पॉन्डिंग जो IPRS है वहाँ पे वो रिक्वेस्ट उसे फॉरवर्ड करेगा, फिर जाके आपको जीपी हमीर डॉट ओ आर जी का वेब पेज इस तरह से दिखा था बच्चों। हम तो जल्दी से लिख रहे हैं लेकिन वो सारा काम इंटरनली हो रहा है, ये देखिए एंटर प्रेस किया मैंने और वेबसाइट आपके सामने आ गई विद इन नो टाइम, ओके। तो ये तो है DNS कैसे काम करता। अब इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है बच्चों, अटैकर क्या कर सकता है? अगर अटैकर ने DNS सर्वर को इस तरह से हैक कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया कि जीपी हमीर डॉट ओ आर जी का जो IPRS यहां पे लिखा उसको ही चेंज कर दिया, ठीक है, उसको अगर वो चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो जो आप जीपी हमीर डॉट ओ आर जी की वेबसाइट खोलने जा रहे हो वो नहीं खुलेगी, कोई और ही खुलेगी, समझ रहे हैं बात? तो दिस इज कॉल्ड DNS स्पूफिंग, यही हमारा टॉपिक, DNS स्पूफिंग। तो DNS स्पूफिंग में क्या होंगे 3 स्टेप। सबसे पहले DNS सर्वर को वो हैक करेगा अटैकर और उसके किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को चेंज कर देगा या सभी एंट्रीज को चेंज कर देगा। उसके बाद जो भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहेगा उसको कुछ और ही दिखेगा, अटैकर अपनी साइट पर ले जाएगा, वहां पे कुछ भी वो परफॉर्म कर सकता है अपना मर्जी का, वहां पे सारी की सारी वहां पे गेम वो प्ले कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज DNS स्पूफिंग, पहले आप नाम इसका ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। DNS स्पूफिंग आल्सो नोन एज DNS कैश पॉइजनिंग, जहर घोल देता है सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जहर घोल दिया ना, जैसे आपने एंट्रीज ही वहां पे गलत वहां पे डाल दी, आपने दूध में जहर घोल दिया और किसी ने पी लिया वो तो मरेगा मरेगा, वैसे ही DNS की एंट्रीज अगर आपने खराब कर दी दैट इज कॉल्ड कैश पॉइजनिंग, DNS कैश पॉइजनिंग या फिर सिंपली DNS पॉइजनिंग। लेकिन ये पुराने नाम है, नया नाम इसका जो अटैकर यूज करते हैं या जो साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है दैट इज कॉल्ड फार्मिंग अटैक, फार्मिंग अटैक इस नाम से इसको जानते हैं बच्चों आप, ठीक है। तो DNS स्पूफिंग में होता क्या है, ये है इसकी मेन लाइन जो आपको एग्जाम में लिखनी ही पड़ेगी, अभी तक कुछ भी नहीं आया जो पेपर में लिखना है आपने। DNS स्पूफिंग इन्वॉल्व चेंजिंग द DNS एंट्रीज, वही मैंने आपको कहा DNS की एंट्रीज चेंज होंगी वहां पे, अटैकर करेगा चेंज उसे, सो दैट उसका क्या फर्क पड़ेगा, सो दैट यूजर्स आर रीडायरेक्टेड टू एन इनवैलिड साइट, एक ऐसी साइट पे आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा जो कि इनवैलिड है। आपने लिखा ऑनलाइन SBI.com, आपने फटाफट पैसे किसी को ट्रांसफर करने थे, वो DNS वहां पे पॉइजनिंग हो रखी है, वो कहीं और ही ले जाएगा आपको, और सेम ही इंटरफेस दिखेगा आपको, आपको इंटरफेस सेम दिखेगा बच्चों उनकी ऑनलाइन जो SBI की वेबसाइट है वैसा ही दिखेगा, आप फटाफट वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे वो फटाफट कैच करेगा और वहां से ओरिजिनल वेबसाइट से आपके पैसे निकाल देगा बच्चों, ठीक है। कहना बहुत आसान है बट इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा, जहां तक तो मुझे ध्यान है 2005 या 2003 में पहली बार ये वाला अटैक हुआ था, ठीक है, ये मैं आपको शेयर करूंगा कब हुआ था। लेकिन अभी आप देखिए कि DNS स्पूफिंग में क्या हो रहा है, इनवैलिड साइट पे आपको वो रिडायरेक्ट कर रहा है और यूजर को लग रहा है कि हम राइट साइट पे हैं, बिल्कुल मतलब जो ओरिजिनल जो साइट है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो बीच में जो अटैकर ने गेम खेली होगी,
क्या गेम खेलोगी उसके लिए आपको देखना होगा कि विदाउट डीएनएस स्पूफिंग कैसे काम होता है। अभी डीएनएस स्पूफिंग नहीं हो रखी है तब क्या होता है, नंबर वन क्लाइंट ने इश्यू रिक्वेस्ट की, ठीक है, क्लाइंट इश्यू रिक्वेस्ट, सॉरी, ठीक है, जैसे क्लाइंट ने लिखा www.gphamid.org अपने ब्राउजर लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, वो रिक्वेस्ट कहाँ गई, वो रिक्वेस्ट गई डीएनएस सर्वर के पास, डोमेन नेम सर्वर के पास, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर ने क्या किया, इस gphamid.org को किस में कन्वर्ट किया, इसके रियल आईपी एड्रेस में, रियल आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने आपको टर्मिनल में दिखाया था, ठीक है। तो उसके बाद तीसरे स्टेप में उस रियल आईपी एड्रेस पे ये वाली रिक्वेस्ट भेजी जाएगी जहां पे रियल वेबसाइट है बच्चों, gphamid.org। ये था विदाउट डीएनएस स्पूफिंग। अगर डीएनएस स्पूफिंग हो जाती है तब क्या होगा, फिर क्या होगा, देखिए विद डीएनएस स्पूफिंग सबसे पहले अटैकर अटैक करेगा, अटैकर ने अटैक किया और डीएनएस स्पूफिंग में डीएनएस की फेक एंट्री कर डाली, फेक एंट्री कर ली, ठीक है। और नंबर टू पे इसके बाद जब भी क्लाइंट इश्यू करेगा रिक्वेस्ट www.gphamid.org, अब डीएनएस उसको किस में रिजॉल्व करेगा, फेक आईपी एड्रेस में, और रिक्वेस्ट कहां जाएगी, फेक वेबसाइट में, जो कि हमारी वेबसाइट नहीं है, वो कहीं और है, अटैकर ने बनाई हुई है। सो दिस इज हाउ डीएनएस स्पूफिंग वर्क्स। बस बच्चों इतना है टॉपिक। तो अगर आपको ये समझ आया डीएनएस स्पूफिंग क्या होती है, डीएनएस कैसे काम करता है, तो आप वाई टाइप करिए, अदरवाइज टाइप एन, आई विल टेक योर एक्स्ट्रा क्लास इफ पॉसिबल इन द नेक्स्ट वीक। लेट मी टेक योर फीडबैक एंड लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग टू